जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह ने बताया कि न्यायालय परिसर में 3 लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से क्राइम से संबंधित जिन मामलों का निस्तारण नहीं हो पाया है, उसके लिए 18 अक्टूबर को न्यायालय परिसर में माइक्रो लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जो भी छोटे मामले हैं, उन मामलों का निस्तारण किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि परिवार से संबंधित घरेलू मामले, जिन मामलों को लेकर सुलह कराकर ख़त्म कराना चाहते हैं, उन मामलों के लिए 1 नवंबर को परिवार न्यायालय द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और परिवार से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस से संबंधित मामले, जिनको पार्टी और इंश्योरेंस कंपनी ख़त्म करना चाहती है, उन मामलों के लिए MST न्यायालय के द्वारा 1 नवंबर को ही राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाएगा। ऐसे मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड के कारण यहां पे हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत या मेगा लोक अदालत का आयोजन इस दीवानी न्यायालय परिसर में नहीं कर पा रहे हैं। इसी संदर्भ में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार इस बार 3 प्रकार से लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। 1 लोक अदालत ऐसे मामलों के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्टों में किया जा रहा है जहां पे क्रिमिनल पेटी केसेस लंबित हैं, क्योंकि कोरोना काल में कई मामले डिसाइड नहीं हो पाए हैं। इसीलिए ऐसे विभिन्न न्यायालयों में जहाँ पे स्पेशल पेटी केसेस लंबित हैं, इनके डिस्पोजल के लिए एक स्पेशल माइक्रो लोक अदालत का आयोजन 18 तारीख संडे को इस न्यायालय परिसर में किया गया है। इस न्यायालय परिसर में उस दिन जो छोटे मामले होते हैं, पेटी नेचर के जो मामले होते हैं, उसका डिस्पोजल यहाँ के विभिन्न न्यायालयों द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त परिवार न्यायालय से संबंधित मामले जो काफ़ी समय से इस लॉकडाउन के कारण पेंडिंग रहे हैं, जिसमें पार्टी आपसी सुलह समझौते के अनुसार अपने मामले को सेटल कराना चाहती है, ऐसे मामले को भी निस्तारित करने के लिए यहाँ माननीय परिवार न्यायालय और अतिरिक्त परिवार न्यायालय में एक लोक अदालत का आयोजन 1 नवंबर को किया गया है। जो भी पक्षकार इस लोक अदालत में अपने वैवाहिक मामलों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराना चाहते हैं, वो उस संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर अपने मामले को इस विशेष लोक अदालत जो 1 नवंबर को आयोजित होना है उसमें निपटा सकते हैं। इसके साथ साथ इस कोरोना काल में MSCT से संबंधित मामले भी काफ़ी समय से लंबित चले आ रहे हैं, जिसमें पार्टी और जिसमें इंश्योरेंस कंपनी समझौते के आधार पर मुकदमे को निस्तारित कराना चाहती है। इसके लिए भी माननीय स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और माननीय सालसा द्वारा, माननीय ऑनरेबल हाईकोर्ट द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है। इस के माध्यम से दिनांक 1 नवंबर 2020 को भी 20 को ही MSCT कोर्ट में ऐसे मामले को निस्तारित कराया जाएगा। ऐसे सभी वादीगण, ऐसे सभी क्लाइंट जो मामले को, जो अपने MSCT से संबंधित मामले को इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आयोजित कराना चाहते हैं, वो MSCT न्यायालय में अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद उसमें माननीय न्यायालय द्वारा उनका विचारण किया जाएगा, उसको दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार उसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर मुकदमे को लोक अदालत में निस्तारित की जाएगी। तो एक ये व्यापक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, एक अवसर दिया जा रहा है कि जो भी पक्षकार आपसी सुलह समझौते के आधार पर या किसी छोटे मामले को, पारिवारिक मामले को या मोटर दुर्घटना वाहन से संबंधित कोई मामला हो, उसको निस्तारित कराना चाहते हैं, तो क्रमशः 18 अक्टूबर को न्यायालय परिसर में जो छोटे केसेस होते हैं, पेटी ऑफेंसेस नेचर के होते हैं, 1 नवंबर को परिवार न्यायालय और MSCT न्यायालय में उनके मामलों का निस्तारण होना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे आग्रह करूंगा कि इस विशेष लोक अदालत जो आप लोगों के लिए आयोजित किया जाता है, इसमें आप अपने मुकदमे को अधिक से अधिक लगाएँ और अधिक से अधिक लाभान्वित हों। धन्यवाद।